शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हमने तुमसे पता करने कहा था, चांद देने को नहीं। अगर हम चांद नहीं देते तो क्या तुम रोती? श्रवणी कहाँ है? उस लड़के से मिलने गई होगी। श्रवणी, हमारे सर की कसम खा के खाओ, तुम सच में उस लड़के से मिलने गई थी? वो हम गए थे, लेकिन आज एक लड़की हद पार की है, कल दूसरी और करेगी, तब या तो श्रवणी बिटिया अपनी सच्चाई साबित करेगी, नहीं तो सजा की तौर पे अपनी पढ़ाई छोड़ देगी। देखिए ना कितनी चोट लग गई है। लेकिन हुआ क्या है? कहीं से मार पिटाई करके आए हैं क्या? पता नहीं। ये किसी लड़की का दुपट्टा लग रहा है। किसका दुपट्टा है ये? मुंह में दही जमा लिया है क्या? बताता क्यों नहीं? लड़की के चक्कर में मार पिटाई की है क्या? हाँ, कौन थी वो बता। वो भैया जी को एक लड़की पसंद आ गई थी। हाँ, उसी का? अम्मा जी, अम्मा जी होश आ गया। मेरा बच्चा। शिवू, बाबू तू ठीक तो है ना? अरे अरे, आराम से बेटा। टाइम क्या हुआ? 10 बज गए भैया जी। भरोसा करो हम पर, हमने नहीं किया ये, लेकिन जिसने भी किया है ना, कल सुबह होने से पहले उसे तुम्हारे कदमों में लाके पटक देंगे हम, बजरंग बली की सौगंध। अरे अरे बेटा, क्या क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? शुभ बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम? दादी, हम किसी को जुबान दिए, हमें जाना पड़ेगा। उसी के जिसके चक्कर में पीट के आए हो? कान खोलकर सुन लो, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारा एक ही मकसद है, उस मकसद के बीच में लड़की कभी नहीं आनी चाहिए। शिवू, नहीं अम्मा, तुम्हारे मकसद के बीच में कोई लड़की नहीं आ सकती, लेकिन आज आज हमको माफ कर दीजिए, आज हम आपकी बात नहीं मान पाएंगे। हमारा जाना बहुत जरूरी है अम्मा, वरना बहुत देर हो जाएगी। आखिर कौन है ये लड़की जिसकी वजह से आज भाई ने पहली बार अम्मा की बात अनसुनी कर दी? मानिए या ना मानिए, इसके सर पे लगा हुआ कलंक अभी मिटा नहीं है। नाग पंचमी की पूजा से पहले पहले श्रवणी बिटिया अपनी सच्चाई साबित करेगी, नहीं तो अपनी पढ़ाई छोड़ देगी। अरे बिटिया दूध थोड़ा बड़ा बर्तन लेके आना, आज नाग पंचमी है ना, भाभी ने बोला ज्यादा दूध देने के लिए। ताई जी, वो जरा दूर ले लीजिए ना, हमारे हाथ गंदे हैं। हाँ आई। ये देखिए ताई जी, हमने नाग देवता बना के सिंदूर से टेक दिया है, बस कच्चे दूध में धान की लाई मिलानी। हम मां कह रही थी कि इसे पूरे घर में भी छिड़कना होता है, वरना असली के सांप आ जाते हैं। अरे हाँ, आज गुड़िया पीटने भी तो जाना है। हम अभी कपड़े की गुड़िया बना देते हैं, वरना देरी हो जाएगी। श्रवणी, क्या नाग पंचमी की पूजा के लिए लगी हुई हो?
सारी औरतें पंचायत के लिए आती होंगी। तुम अपना सच साबित कर पाओगी ना? अगर नहीं कर पाए तो लोग हमें ही गुड़िया समझकर पीट के अपनी पंचमी मना लेंगे। त्योहार है आज ताई जी, हम भी देखते हैं भगवान हमारे साथ न्याय करता है कि नहीं। ठाकुर साहब, नमस्ते। आइए आइए, नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। माफ कीजिए भाई साहब, हम यहाँ कोई नाग पंचमी की पूजा में शामिल होने नहीं आए। हम तो यहाँ सिर्फ श्रवणी का सच जानने आए। ये सब क्या हो रहा है ठाकुर साहब? बहुत गलत बात है, आपके घराने की लड़की से ये उम्मीद नहीं थी हमें। देखो बहना, या तो सच साबित कर दो, नहीं तो जो पहले से तय हुआ है वही होगा। भगवान, क्या सच में अपने सपने के इतने करीब पहुंचकर हम उसको खो देंगे? इतना बड़ा कदम मत उठाइए, हम विनती करते हैं। आप लोगों को जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। मां, अब प्लीज हाथ मत जोड़िए। ताऊ जी, आप भी विनती मत कीजिए। अगर इन लोगों को यही सही लगता है तो ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं कि हम अपनी पढ़ाई छोड़ दें तो छोड़ देंगे। लेकिन अपने परिवार पर अब और कलंक लगने नहीं देंगे। लड़की बेकसूर है। असली गुनहगार कोई और है। लेकर आओ उसे। यह है असली गुनहगार, यही लड़की को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। शुभम, तुम अब जानती है इसे? प्री इंस्पेक्टर, ये हमारे साथ स्कूल में था। बक्साई राम कहानी जी, वो स्कूल के टाइम से ही हम श्रावणी को बहुत पसंद करते थे, लेकिन ये अपने आप को पता नहीं क्या समझती थी। अरे, इसने कभी आंख उठाकर तक नहीं देखा हमारी तरफ। बहुत कोशिश की हम, लेकिन इसने कभी ध्यान नहीं दिया। बस इसीलिए हमें गुस्सा आ गया। तो तुम हमसे ऐसे बदला ले रहे थे, हमारी बेइज्जती करा के? श्रवणी, हमने जो भी किया गुस्से में किया, हमसे गलती हुई, हमें माफ करो। हमने देखा वो लड़का श्रवणी के कुछ ज्यादा ही आसपास मंडरा रहा था, लेकिन इसने बार बार उसे झटक दिया। बस मौका देखकर हमने इन दोनों की कुछ ऐसी फोटोज खींच ली जिन्हें हम बाद में दिखाकर इन दोनों को बदनाम कर सके और ये साबित कर सके इन दोनों के बीच में जरूर कुछ ना कुछ है। हम बस इसकी जगह सही करवाना चाहते थे। तू जगह सही कराना चाहता था? बदनाम करेगा हमारी बेटी को? जान से मार डाले, जान से मार डाले, जान से मार डालेगा। ताऊजी, ताऊजी, लेकिन आपने इसे पकड़ा कैसे? एक लड़का आया था, शिवांश नाम था उसका, जख्मी हालत में था। इसने उसके ऊपर भी हमला किया था,
उसी ने हमें बताया कि ये लड़की को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और उसी ने हमें टिप दी कि गोरखपुर बस अड्डे से भाग रहा है और जब हम गोरखपुर बस अड्डे पहुंचे तब तक ये वहां से जा चुका था। वहां लगे सीसीटीवी फुटेज से हमें ये पता चला कि इसने रामखोली की बस पकड़ी है और जब हमें ये पता चला कि इसने रामखोली की बस ली है तो हमने आगे के थाने को इन्फॉर्म किया कि उसे पकड़ ले। सारी रात वो लड़का खून में लथपथ हमारे पास बैठा रहा और ये बोलता रहा कि उस लड़की की इज्जत का सवाल है वरना उस लड़की की बहुत बदनामी होगी। जिसने भी किया है कल सुबह होने से पहले उसे तुम्हारे कदमों में लाके पटक देंगे हम। कल का आने वाला सवेरा तुम्हारे ऊपर लगे इस कलंक को धो देगा। अपनी बात का पक्का निकला, जो कहा था उसे पूरा करके ही छोड़ा। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। छोड़िएगा नहीं इसको, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और आप लोग, अब भी कोई सवाल बचा है क्या आप लोगों का? हमने कहा था हमारी घर की बेटी कोई गलत काम नहीं करेगी, लेकिन आप लोग तो जलती हुई आग में हाथ तापने आए थे। आप लोग हमेशा एक बात याद रखिए, हमारी बेटी क्या किसी भी घर की बेटी के संस्कारों पे उंगली उठाने से पहले सोच लीजिएगा कि बेटी सबकी सांझी होती। हेलो, हाँ केस सॉल्व हो गया जी। देखा चलो से श्रवणी बिटिया, माफ कर देना हमें, हमने तुम्हें गलत समझा और जो कुछ भी बोला है सच में बहुत बुरा लगा है हमें। कोई बात नहीं आंटी, गलतफहमी हो जाती है। बहन जी, अब पानी पियेंगे? पानी ले आए। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मदद के बिना इतना कुछ नहीं हो पाता। जी ठीक है। छुटकी, आज तो तेरा दिन है ना, मतलब नागपंचमी है ना भैया। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, नाराज हो गई यार, मजाक कर रहा था। छुटकी, मेरे को याद है कि बचपन में कितना मजा आता था, तुम सब लड़कियां अपनी कपड़े की गुड़िया बना के लाते थे और हम सब लड़के डंडे से उसे पीटते थे। हमारी छुटकी हमसे नाराज है। क्या फर्क पड़ता है भैया, आप तो वैसे भी भूल गए कि आपने हमसे कुछ वादा भी किया था। क्या है कि आप तो कहीं और बिजी चल रहे हैं ना आज। ऐसा हो सकता है कभी? ऐसा हो रहा है ना भैया, वरना बताइए अभी तक हमारा एडमिशन हुआ क्यों नहीं। अगर वादा निभा नहीं सकते ना तो वादा करिएगा भी मत। अरे अरे छुटकी छुटकी छुटकी, तुम्हारे पापा के जाने के बाद इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ गई शिबू। सबको खुश रखने की जिम्मेदारी तुमने खुद उठाई भी थी तो आज कैसे चुप गए? शिवू बेटा नाराज है, थोड़ी देर में मान जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, अम्मा सही कह रही है और छुटकी भी, इस घर में आप सबकी जिम्मेदारी मुझ पर है और मैं कैसे भी करके ये वादा निभा कर रहूंगा। बैठो बेटा, हम नाश्ता बना के लाते हैं। मुझे कैसे भी करके वो श्रवणी से बात करनी ही होगी,
उसे उसकी सीट छोड़ने के लिए मुझे उससे मनाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक और बार बचा लिया हमने आपको, आज आपका नाम ले लेते तो आपकी भलाई इसी में है कि आप जल्द से जल्द हमारी जमानत करवाइए। स्वीटी, स्वीटी जल्दी आ जाओ, हमें देरी हो रही है, गुड़िया पीटने जाना है ना। दाई जी, श्रवणी बेटा ये फल और चने सब में बांट देना। जी माँ। और ये तुम दोनों की गुड़िया। बेटा हमें अपने बर्ताव के लिए। ताऊ जी भूल जाइए वो सब बातें, हम भी भूल चुके। स्वीटी चलो, देरी हो रही है ना, सब राह देख रहे होंगे, जल्दी जल्दी जाओ जाओ। चलो अब हम लोग गुड़िया पीटने की शुरुआत करते हैं। लेकिन गुड़िया तो लड़के पीटते हैं ना। हाँ सारे लड़के कहाँ गए, उनके बिना ये रस्म अधूरी है। लड़के भी तैयार हैं। शिवांश नाम था उसका, उसने हमें बताया कि एक लड़की को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मजनू आराम से बह, चोट लगी है। वही कह रहे हैं भैया जी, गुड़िया से आप पहले ही कुटाई खा चुके हो और अब मत पिट जाना, बस बता रहे हैं हम। दादा बोल लो। अरे भाभी जी से ध्यान हटा के श्रवणी पे ध्यान लगाओ, कैसे भी करके हमको उसकी सीट छीननी है। अबे यार मजनू तुम बात तो ठीक कह रहे हो यार, जब भी ये मुनिया हमारे आसपास होते है ना, अबे हमारा दिमाग खुल जाता है यार। चलो चलो इंतजार किस बात का, गुड़िया पीटने की शुरुआत करते, सब बोलो जय नाग देवता की। जय नाग देवता की। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। चलो चलो अब सब लोग अपने अपने गुड़िया यहाँ रख दो। अरे अरे सब लोग खड़े क्या है, चलो गुड़िया पीटो। अरे ये तो हमको ही कर रहा है। बोलो नाग देवता की जय। इसे आप सबको पता है इस कपड़े की गुड़िया यानी पुत्री को पीटने के पीछे कौन सी कहानी है, बोलो बोलो। मैं बताती हूँ। तो एक बार एक लड़के की दोस्ती एक सांप से, और वो सांप और वो लड़के बहुत अच्छे दोस्त बन गए, बहुत गहरे दोस्त बन गए। इतनी गहरी दोस्ती हो गई उनकी कि कभी सांप को कुछ मुश्किल होती थी तो लड़का बचाता था, और लड़के पे कोई मुश्किल पड़ती थी तो वो सांप उसकी मदद करता था। एक बार सावन में लड़के की बहन पेहर आ रही थी, अब भाई तो सो रहा था। बहन ने देखा कि भाई के पैर के पास एक सांप सो रहा है। बहन डर गई,
बहन डर के मारे उस सांप को इतना पीटा कि वो सांप मर गया। और जब भाई उठा तो बहुत परेशान हुआ और बहन से कहा, ये तुमने क्या कर दिया, ये तो मेरा दोस्त था। जब बहन को ये बात पता चली तो बहन बहुत ज्यादा दुखी हो गई और धीरे धीरे ये बात पूरे गांव वालों को पता चली। जब गांव वालों को बात पता चली तब उन्होंने कहा, अब तुमने जाने या अनजाने पाप तो किया है तो सजा तो जरूर मिलेगी। जब भाई को ये बात पता चली तो भाई तड़प उठा। भाई के बहुत विनती करने के बाद ये तय हुआ कि ठीक है, हम एक कपड़े की गुड़िया बनाएं और उस लड़की का नाम लेकर हम उस गुड़िया को पीटें। इसलिए इस गुड़िया पीटने को भाई और बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है। नाग देवता की जय। काश बंटी भी यहां होता तो इस त्योहार का उत्साह दुगना हो जाता। एडमिशन हुआ है मेडिकल कॉलेज में, हम वो सीट अपनी बहन के लिए चाहते हैं। देखिए, इसके बदले में आप जो भी चाहते हैं हमसे हम आपको देंगे। हम सीट छोड़ देंगे पर बदले में हमें भी कुछ चाहिए। अरे सुनो, अरे रुको तो सही, तुम हमें देख के घूम क्यों गए? बेहतर है कि आप हमसे दूर रहिए। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।